हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एम करीम से गॉसेज लॉ के क्वेश्चंस को और स्टूडेंट एम करीम के रेस्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के लिंक या फिर किसी भी दूसरे टॉपिक पर अगर आपको थ्योरी की आवश्यकता है तो सिंपली आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है और उसका चैनल का नाम द पाठशाला राहुल कुमार लिखें तो आपको बहुत आसानी से उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो क्लास शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट अभी हम लोग शुरू के कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड सिंपल जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझ लीजिए। क्या होता है, सपोज कीजिए कि कोई भी आपके पास क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज मान लेते हैं क्यू है। तो इस क्यू चार्ज के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इससे क्रॉस करेगा। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो क्रॉस करते हैं उसी को हम कहते हैं फ्लक्स थ्रू डैट क्लोज सर्फेस। उस फ्लक्स को हम लोग नॉर्मली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई का वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हम लोग सिंपली कैसे निकालते हैं, तो टोटल इनक्लोज चार्ज उसके अंदर टोटल कितना चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी आप समझ रहे हैं। इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना होता है 1/36 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। यहां से आप समझ सकते हैं फाई का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब हो जाएगा, क्यू ऊपर वाला कूलम्ब एक कूलम्ब से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, बस इस सिंपल फॉर्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए ये कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इफ इट इज चार्ज्ड विद 10 माइक्रो कूलम्ब ऑफ चार्ज। मतलब क्लियर है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू चलिए निकालना है। ये क्या होता है, इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना इसके अंदर में चार्ज है, इफ इट इज चार्ज्ड विद 10 माइक्रो कूलम्ब ऑफ चार्ज। 10 माइक्रो कूलम्ब तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई की तो इतना कूलम्ब हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो गया 1/36 π × 10⁻⁹। ये 36 पाई ऊपर चला गया, 36 पाई इंटू 10⁻⁹ भी ऊपर चला गया, 10⁻⁹ × 10⁻⁶ मतलब ये हो गया 36 π × 10⁻⁴, 9×10⁴, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम्ब। ये पहला क्वेश्चन था आपका डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या कह रहा है, इफ अ स्फीयर हैज अ चार्ज ऑफ 10 मिली कूलम्ब देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर इट्स सरफेस। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 10 मिली कूलम्ब, तो इसको कूलम्ब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए कूलम्ब में। अच्छा ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों कूलम्ब में कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जो ले रहे हैं ये ऐसा यूनिट में है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब। कहने का मतलब है कि चार्ज का वैल्यू आपको यहाँ पे कूलम्ब में लेना है, तभी आप डायरेक्टली इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये वैल्यू हो गया 36 π × 10⁹। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं ये 36 π ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर गया तो 9×10⁻³, 36 π × 10⁻⁷। क्लियर है, मीटर यूनिट आप समझ रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री स्टूडेंट कैलकुलेट द फ्लक्स विच विल ओरिजिनेट फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम्ब। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं यहाँ पे चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्यू एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलम्ब, तो ये कूलम्ब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किए, नीचे में ये 1/36 π × 10⁻⁹ इतना आपका रही गया, 36 π ऊपर गया तो 36 π × 10⁹ ऊपर चला गया तो 9 में से 6 गया 3 मतलब 10�³, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब। अच्छा ये आपका एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है, मतलब पाई का वैल्यू हम लोग रख लेंगे, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 × 10�³, 3×9 = 10 मतलब इसका वैल्यू लगभग ये 1.13 आप समझ सकते हैं 1.13 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा इतना आ जाएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में स्टूडेंट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्लक्स विच विल ओरिजिनेट फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 100 कूलम्ब। 100 कूलम्ब मतलब चार्ज का वैल्यू, फ्लक्स का वैल्यू निकालना है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 100 कूलम्ब मतलब ये सीधे कूलम्ब में दिया हुआ, तो सीधे 100 लिख देंगे, ये नीचे में हो जाएगा 1/36 π × 10⁹, ये टोटल इतना ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मतलब 36 π × 10⁹ × 100, 100 मतलब 10⁻², मतलब 9×2=11 पावर ऐड हो जाएगा, मतलब 10⁻⁺, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब आप समझ रहे हैं। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टूडेंट, अब हम लोग आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सिंपली वो दो तीन फॉर्मूला पर बेस्ड है। क्या क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है उसे समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास कोई सॉलिड स्फीयर है, मान लेते हैं उस पर टोटल चार्ज क्यू है, आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर है, तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस से, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर किसी पॉइंट एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है। ये बहुत आसान है, इसको याद रखना। सिंपली पॉइंट चार्ज के चलते जो फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला होगा। जैसे पॉइंट चार्ज क्यू के चलते एक्स डिस्टेंस पर क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो इसके चलते वही फॉर्मूला हो जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, पॉइंट चार्ज क्यू के चलते तो के क्यू बाई एक्स, तो यही इसके चलते स्फीयर के चलते एक्स डिस्टेंस पर हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये होलो स्फीयर है, अगर ये होलो स्फीयर है तो अगेन एक्स डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, जहां क्यू इस पर टोटल चार्ज है, ठीक है। ये क्यू इस पर क्या हो गया, इस होलो स्फीयर पे टोटल चार्ज हो गया, जो कि ऑब्वियसली आप समझते हैं इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स डिस्टेंस पे फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल का के क्यू बाई एक्स। अच्छा, सब जगह आप समझ रहे हैं के का वैल्यू क्या है, एसआई यूनिट में 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, आप समझ रहे हैं, बहुत बार हम लोग यूज कर चुके हैं। और एन मान लीजिए इसके सर्फेस पर अगर हम बात करें तो एक्स का वैल्यू जो है आर के बराबर हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आर के बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू हो गया। इसके सेंटर पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल पर जो इसके सर्फेस पर वैल्यू होगा वही इसके सेंटर पर वैल्यू होगा। और इनफैक्ट होलो स्फीयर के केस में सब जगह पोटेंशियल का वही वैल्यू होगा जो इसके सरफेस पे होगा। क्लियर है। बस इतना फॉर्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो और भी आपका क्लियर होगा कि कैसे ये सब फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 2000 स्टैट कूलम्ब, सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है 2000 स्टैट कूलम्ब, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक स्फीयर है रेडियस जिसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, समझिएगा 5 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है और इससे 10 सेंटीमीटर मतलब इससे बाहर वाले पॉइंट पे बात हो रहा है, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, x का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है ए चार्ज ऑफ 2000 स्टैट कूलम्ब, इस पर जो चार्ज है ये q चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2000 स्टैट कूलम्ब। क्लियर है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो सिंपली पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स, आप समझ सकते हैं के क्यू बाई एक्स। हालांकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिंपली स्फीयर लिख लिया, जब भी सिंपली स्फीयर लिखा जाए इसका मतलब हमेशा होता है सॉलिड स्फीयर। होलो स्फेरिकल के केस में आपको होलो मेंशन रहेगा या कंसेंट ये स्फेरिकल सेल वगैरह लिखा रहेगा, लेकिन सिंपली स्फेयर जब भी लिखा रहे तब आपको समझ लेना है वो सॉलिड स्फेयर की बात हो रही है। तो सॉलिड स्फेयर के केस में भी आप बाहरी पॉइंट पर क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई एक्स होता है, आप समझ रहे हैं। सबका वैल्यू पुट करते चलना है, के का वैल्यू हो गया 9 × 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू हो गया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये के का ये वैल्यू यूज नहीं होगा सीजीएस सिस्टम में, इसका के का वैल्यू सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू 1 हो जाता है सिंपली, और क्यू का वैल्यू हो गया 2000 और ये एक्स का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट हम लोग रख देंगे ये कितना हो जाएगा 200 क्या हो जाएगा स्टैट वोल्ट, इतना स्टैट वोल्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब इसी पॉइंट पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसी पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रखते चले जाइए, के का वैल्यू हो गया 1, ये हो गया क्यू का वैल्यू 2000 हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर सीधे 100 हम लिखते हैं यहाँ पे, 100 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, 10 का स्क्वायर 100 नहीं। चलिए ये हो गया आपका कितना हो गया, ये 20 स्टेट वोल्ट पर सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिख रहे हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 20 स्टेट वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन में स्टूडेंट क्या कह रहा है आप देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर विच हैज ए चार्ज ऑफ इतना कूलम। चलिए ठीक है, एक होलो स्फीयर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले लिखते चलते हैं। एक होलो स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है कितना भाई, 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द सेंटर, इसके सेंटर से 10 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर, 10 मीटर दिया हुआ है, और इस पर चार्ज कितना है इस होलो स्फीयर पे 10⁻⁶ कूलम्ब,
क्यू का वैल्यू है 10^-6 कूलम। ये इतना डेटा आपको दिया हुआ है, तो हम लोगों से पूछ रहा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब ई का वैल्यू निकालना है। ई का वैल्यू 10 मीटर की दूरी पर, मतलब सेंटर से बाहर हो गया, इसके स्फीयर से बाहर हो गया, तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला क्या लगा देंगे, KQ/X2। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आर का कोई यहाँ पर यूज ही नहीं है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन सब में भी आपको आर दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में रेडियस का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आर का कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी पर्टिकुलर इस वैल्यू निकालने के लिए K का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 9×10^9, क्यू का वैल्यू 10^-6, और एक्स कितना डिस्टेंस पर निकालना है, 10 मीटर की दूरी पर, एक्स का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, क्लियर है। चलिए ये आपका हो गया, ये ऊपर में जाएगा 10 स्क्वायर, ये ऊपर में तो -2 हो गया, मतलब कि आपका 6×2 = 8, नौ से मतलब ये सिंपली हो जाएगा 90 वोल्ट पर मीटर, इज योर आंसर 90 वोल्ट पर मीटर, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, डायरेक्टली सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब ध्यान दीजिए, ये स्फीयर जो है इसके सरफेस पर पूछ रहा है, इसके सरफेस पर क्या निकालना है, इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। मान लेते हैं इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई डैश होगा, तो ध्यान दीजिए इस केस में यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगाएंगे उसमें ये रेडियस का फॉर्मूला यूज होगा। सरफेस पर ध्यान दीजिए, सरफेस पर KQ/R² मतलब यहाँ पर ये ई डैश का वैल्यू हो जाएगा KQ/R². अच्छा, यहाँ पे ईडस क्यों कर दिए, क्योंकि भाई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है 7 का ही पार्ट है, इन द अबव क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें भाई 7 नंबर में हम ई का वैल्यू निकाले, ई क्या था, इससे इसके सेंटर से 10 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जो कि 90 वोल्ट पर मीटर आया था, ठीक है। अब इसके हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो दोनों को ई से हम रिप्रेजेंट नहीं करें, कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई, ठीक है, इसलिए हम इसको ई डैश से रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ पर चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, के का वैल्यू हो गया 9×10^9, क्यू का तो वही वैल्यू है, कितना है 10^-6, और रेडियस का वैल्यू, रेडियस के सरफेस पे निकालने, तो ये रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 9×6 = 3, मतलब 9×10^3 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने के पहले ये क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन, देख लीजिए कि इन द क्वेश्चन नंबर 7 कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ध्यान दीजिएगा, अब क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 में हम निकाले थे इसके सेंटर से 10 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि 90 आया। क्वेश्चन नंबर 8 में हम निकाले इसके सरफेस पर, जो कि इतना है, 9×10^3 वोल्ट आया। अब पूछ रहा है कि इसके सेंटर पर, मान लेते हैं इसका सेंटर ओ है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इस ओ पॉइंट पर इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। अगर इसको हम E0 से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हॉलो स्फीयर के केस में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्लियर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट कह रहा है, अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम। एक हॉलो स्फीयर है जिस पर कितना चार्ज है, 100 माइक्रोकूलम, जिसको हम लोग कूलम में कन्वर्ट कर लिए हैं, और उसका रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके सेंटर से 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E1 है, ये हम लोगों को E1 निकालना है पहले वाले पार्ट में। तो चलिए क्वेश्चन का पहला पार्ट E1 का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके चूंकि सरफेस के बाहर हो गया, तो सिंपली पॉइंट चार्ज के चलते जो फॉर्मूला होगा वही लिख देंगे। तो पॉइंट चार्ज के चलते, क्यू चार्ज के चलते एक्स डिस्टेंस पर क्या होता है, KQ/X², यही फॉर्मूला होता है, KQ/X², आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। K का वैल्यू हो गया 9×10^9। अब ध्यान दीजिए, 9×10^9 वैल्यू जब यूज किए हैं तो चार्ज को कूलम्ब में लेंगे, डिस्टेंस को मीटर में लेंगे, ये सब चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चार्ज का वैल्यू हो गया इतना, कूलम्ब हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं 10^-4, और एक्स जो डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 100 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 100×10^-2, इतना मीटर, मतलब 100 से डिवाइड किए 100 सेंटीमीटर, और उतना करने की क्या जरूरत है भाई, 100 सेंटीमीटर सिंपली होता है 1 मीटर, 1 मीटर के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर इतना, ये तो फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज कर सकते हैं, ये सिंपली हो गया 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 मीटर हो गया, तो ये सिंपली 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9×10^5, इतना वोल्ट पर मीटर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कह रहा है स्टूडेंट,
एट अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। अब इसके सेंटर से 30 सेंटीमीटर की, भाई 30 सेंटीमीटर कहने का मतलब इसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर, मतलब इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो सरफेस पे मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E2 है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में हम लोगों को कहीं भी सरफेस पर, किसी भी पॉइंट पर, सब पॉइंट जो है सरफेस पर वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, इसके सेंटर रेडियस का वही वैल्यू है। तो किसी भी पॉइंट पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस पे KQ बाई आर स्क्वायर, आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। K का वैल्यू हो गया 9 × 10⁻⁹। Q का वैल्यू हो गया कितना, Q का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10⁻⁴। और ये यहाँ से रेडियस का वैल्यू, रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे 30 × 10⁻²। इतना मीटर हो गया, इतना का स्क्वायर। अब या तो आप 10⁻²² से मल्टीप्लाई कीजिए या इसको डिवाइड बाई 100 कीजिए, एक ही बात है। लेकिन नॉर्मली 10⁻²² इसीलिए कर देते हैं क्योंकि भाई 10⁻⁴ है, 10⁻⁹ है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप हैबिट बना लीजिएगा तो बहुत बार आपको आसानी हो जाएगा। ठीक है, इतना वोल्ट पर मीटर, आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से सिंपली यहाँ ध्यान दीजिए, 3 × 3 = 9 और ऊपर में एक 9, ये दोनों 9 कैंसिल हो गया। देखिए कैसे करते जा रहे हैं कैलकुलेशन, यहाँ पर एक 10 बच गया, 10 बच गया, सिंपल 3 हट गया, 3 × 3 = 9 कट गया। तो वह एक 10 ये और ये 10⁻², 10 × 10⁻², अंदर में कितना बचेगा 10⁻⁠, 10⁻⁠ बच गया अंदर में, और ये 10⁻⁠ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻²² हो गया। तो नीचे में 10⁻², फाइनली है ये 10⁻², ऊपर में चला जाएगा। तो ये देखिए, अच्छा ये पहले से ये ऊपर में क्या बच गया 10⁻⁹, 10⁻⁴, ये 9 तो कैंसिल हो गया इससे, और ये 10⁻², जो नीचे में था ये ऊपर में गया, ये ऊपर में गया, तो ये 10⁻² हो गया। तो यहाँ से ये कितना हो गया 10⁻⁷। ठीक है, इतना वोल्ट पर मीटर इज योर आंसर, 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर इज योर आंसर। क्लियर है, चलिए इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट। एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्यान दीजिएगा इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, एक आप सर्कल को ड्रॉ कर दीजिए तो 10 सेंटीमीटर से रिलेटेड आप समझ सकते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएगा, पॉइंट, और वो सारा जो इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है वो मिलकर एक सर्कल बनाएगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कहीं भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं, अगर ये E3 हम इसको लिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट इसका 3 जो है E3, इसके अंदर में, चूंकि ये पॉइंट जो है इस होलोस्फेयर के अंदर में आ गया, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। या फिर कहें क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट में, एट इट्स सेंटर, तो इसके सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा, सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E0, अगर ये सेंटर O लिख रहे हैं तो E0 का भी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। वेरी इजी डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्टूडेंट, अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर हैज अ चार्ज ऑफ 10 कूलम्ब, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम इट सेंटर। एक होलो स्फीयर जिसपे चार्ज कितना है 10 कूलम्ब है, उसका रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, तो इसके सेंटर से 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर पर मान लेते हैं ये पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा। डायरेक्टली अगर मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है, तो V1 का क्या वैल्यू हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई X, सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, अब यहाँ से सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, के का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹, क्यू इस पे चार्ज कितना है 10 कूलम्ब, सब ऐसा यूनिट में है, एक्स डिस्टेंस कितना है भाई 2 मीटर, तो 2 कर दिए। अब यहाँ से बहुत आसान है, 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45, मतलब 45 × 10⁹, इतना वोल्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब थोड़ा सा आंसर मिलाना है, तो भाई आंसर मिलाना है तो इसको 10 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 4.5, और चूंकि इसको 10 से डिवाइड किए तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 से एक मल्टीप्लाई किए, 10⁻⁹ पहले से है तो 10⁻⁹ हो जाएगा, दोनों पावर ऐड करके आंसर मिलाने के लिए। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है स्टूडेंट, इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द पोटेंशियल, इसी से रिलेटेड है, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अच्छा इसी क्वेश्चन में इसके सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा, तो सरफेस पर कहीं भी मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर V2 है, तो अब 12 नंबर क्वेश्चन में V2 का वैल्यू सरफेस पर क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई इसका जो रेडियस है, KQ डिवाइडेड बाई इसका जो रेडियस है। क्लियर है, चलिए ठीक है, यहाँ से सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका हो गया, K का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹, Q का वैल्यू कितना हो गया 10 कूलम्ब दिया हुआ है, रेडियस इसका कितना है 1 मीटर है, तो डिवाइडेड बाई 1, तो ये सिंपली हो जाएगा 9 × 10⁻⁰, 9 × 10⁻⁰, इतना क्या हो जाएगा वोल्ट, यूनिट लिखना
मत भूलिएगा, 9 × 10^10 वोल्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अगेन इसी से रिलेटेड है। इन द अबव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब इसी क्वेश्चन में ये हम लोग इसके सरफेस पे निकाल दिए, तो अब पूछ रहा है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो हॉलो स्फीयर के केस में क्या होता है, इनफैक्ट ये इक्यू पोटेंशियल बड़ी होता है। इक्यू पोटेंशियल मतलब सब जगह पोटेंशियल, जो सरफेस पर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है, सब जगह अंदर में और इंक्लूडिंग सेंटर, सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उतना ही वैल्यू होगा। मतलब इसके सेंटर पर अगर इसको ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी नॉट ओ पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सरफेस पर वैल्यू है वही हो जाएगा। मींस इसका आंसर हो जाएगा 9 × 10^10 इतना वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट कह रहा है, अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 10^-4 कूलम, कैलकुलेट द पोटेंशियल। क्वेश्चन का चार पार्ट है, आप देख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में क्या है कि एक हॉलो स्फीयर दिया हुआ है जिसपे चार्ज कितना है 10^-4 कूलम, इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट में पूछ रहा है कि इसके सेंटर से 90 सेंटीमीटर, सेंटर से 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो अगर इसको हम V1 मान लेते हैं, तो पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपली V1 इक्वल टू क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ/X होगा सिंपली। अब K का वैल्यू लिख देंगे 9 × 10^9, Q चार्ज का वैल्यू कितना है भाई 10^-4, और कितना डिस्टेंस पे था 90 सेंटीमीटर, तो 90 × 10^-2 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 9 से 9 कट गया, नीचे में बच गया 10^-1, 10 × 10^-2, मतलब 10^-1 नीचे में बच गया, 10^-1 ऊपर में गया, तो ऐड हो जाएगा पावर, मतलब ये 9 एक 10 हो जाएगा, 10^-10 × 10^-4, मतलब 10^-10 − 4, मतलब 10^-6। क्लियर है? वो सब आप समझ रहे हैं, कैलकुलेशन डेट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आपने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, आपने सारा कंसेप्ट यूज किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, टॉर्क, डायमेंशन वगैरह सारी चीज़ आपने यूज किया, लेकिन कैलकुलेशन आपने गलत थोड़ा सा गलती कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंपटीशन में बहुत बार आपने थोड़ा सा सिली मिस्टेक किया, और वो ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन में, आप उसको फटाक से टिक करके चले आएंगे। तो ध्यान देना है, कैलकुलेशन इज नॉट मीन्स नॉट ईजी, और ये कह सकते हैं इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया, इतना वोल्ट हो गया 10^6 वोल्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, चलिए यहाँ इसके सेंटर से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V2 है, तो V2 इक्वल टू अगेन फॉर्मूला तो वही है, KQ/X, X का वैल्यू यहाँ पे 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ रहे हैं, K का वैल्यू है 9 × 10^9, क्यू का वैल्यू है, क्यू का चार्ज का वैल्यू कितना है, वही है 10^-4, ऑब्वियसली वही क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ पे हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और इसके बाद क्या होगा, आप समझ सकते हैं, ये 10^-1 नीचे में आ जाएगा जो कि ऊपर में जाएगा, तो 9 × 10^10 और 10 में से 4 गया 6, मतलब 9 × 10^6 डिवाइडेड बाई ये 6 बच जाएगा, एक जीरो इसमें से अगर हम लोग ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो 90/6 मतलब 15 × 10^5 इतना वोल्ट क्या हम लोग निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो 15 × 10^5 वोल्ट इतना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, कहाँ पर V3 निकालना था, इसके सरफेस पर निकालना है, ध्यान दीजिएगा सरफेस पर V3, सरफेस पर करना होगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, KQ/R, ये हो जाएगा 9 × 10^9 डिवाइडेड बाई, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर ये थर्ड पार्ट है इसका, क्यू का वैल्यू कितना है 10^-4 डिवाइडेड बाई, इसका रेडियस कितना है, रेडियस इसका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 × 10^-2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये 10^-1 ऊपर में जाएगा, तो 9 × 10, 10 में से 4 गया 6, मतलब ऊपर में बच गया 9 × 10^6, नीचे में 3, मतलब 3 × 10^6 इतना वोल्ट हो जाएगा, 3 × 10^6 वोल्ट। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है, इसके सेंटर पे पूछ रहा है, हॉलो स्फीयर है तो जितना इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा उतना ही इसके सेंटर पे होगा, मतलब कि यहाँ पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 ×
10^6 वोल्ट इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि टू कंसेंट्रिक होलो स्फीयर है। कंसेंट्रिक मतलब दोनों का एक ही सेंटर है। एक जो अंदर वाला जो इनर स्फीयर है उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जो आउटर स्फीयर है उसका रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इनर स्फीयर पे चार्ज आपको दिया हुआ है 10^-4 कूलम Q1 का वैल्यू, और आउटर स्फीयर जो है उसके सरफेस पर जो कुल मिलाकर जो चार्ज है Q2 उसका वैल्यू दिया हुआ है 10^-6 कूलम। तो क्वेश्चन का 3 पार्ट है। पहले वाले पार्ट में पूछ रहा है कि इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उस पॉइंट को M लिख रहा है, XM वो डिस्टेंस को लिख रहा है, XM का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए। फिर दूसरा पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर N पॉइंट पर, इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर, और उसके बाद पूछ रहा है उसके सेंटर से 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए। चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो पार्ट है M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू EM का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट जो है चूंकि ये होलोस्फेरिकल सेल है, अंदर वाला बाहर वाला, ठीक है, तो ये पॉइंट होलोस्फेयर के अंदर, इस होलोस्फेयर के अंदर है, तो होलोस्फेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो ये पॉइंट चूंकि इस होलोस्फेयर के भी अंदर है और ये आउटर स्फेयर है ऑब्वियसली उसके भी अंदर है, मतलब दोनों ही स्फेयर पर जो चार्ज है उसके चलते इस एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब सिंपल एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा पहले वाले पार्ट में, ठीक है। चलिए दूसरे वाले पार्ट को अब सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले पार्ट में ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले पार्ट में क्या कह रहा है, एन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। एन पॉइंट पर, एन पॉइंट मतलब यहाँ इस सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अब ध्यान दीजिएगा, ये एन पॉइंट जो है ये इनर वाला जो स्फीयर है इससे बाहर है, मतलब इस इनर वाले स्फीयर पर जो चार्ज Q1 है उसके चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, लेकिन जो आउटर स्फीयर है उसके अंदर में ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो आउटर स्फीयर के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो सिंपली एन पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनर स्फीयर के चलते, ये तो इनर स्फीयर के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो सिंपली यहां इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगा देंगे, के क्यू, इस पर चार्ज कितना है? Q1। ये Q1 चार्ज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, जहां पे x का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अब यहां पे सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। k का वैल्यू हो गया 9 × 10^9। चार्ज का वैल्यू इस स्फीयर पे कितना चार्ज है? चार्ज कितना है? 10^-4 कूलम, 10^-4 कूलम। और x कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस n तक का 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर, तो इसको ध्यान रखिए मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 10^-2 मीटर, इतना स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, जो भी आप लिखिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू लगभग आ जाता है 2.25 × 10^3 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? चलिए इसके तीसरे वाले पार्ट में ध्यान दीजिएगा। तीसरे वाले पार्ट में कहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के सेंटर से 90 सेंटीमीटर। अब भाई ये क्लियरली ये पॉइंट जो है दोनों से बाहर लाई कर रहा है, क्योंकि बाहर वाला जो सरफेस है उसका रेडियस कितना था? 30 सेंटीमीटर है, तो 30 से बहुत बाहर हो गया 90 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट चूंकि बाहर में लाई कर रहा है, दोनों स्फेयर के बाहर में लाई कर रहा है, इसका मतलब दोनों स्फेयर पर जो चार्ज है वो दोनों के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। मतलब कि ईपी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट लिख रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले स्फेयर के चलते, मान लीजिए पहला स्फेयर मान लेते हैं, इसको दूसरा स्फेयर मान लेते हैं, तो पहले वाले के चलते भी होगा और दूसरे वाले के चलते भी होगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, पहले वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना यहाँ पे हो जाएगा? तो के क्यू वन, पहले वाले पर जो चार्ज है, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये एक्स का वैल्यू यहाँ पर 90 सेंटीमीटर होगा, तो के क्यू वन बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और प्लस दूसरे वाले स्फीयर के चलते कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू टू, दूसरे वाले पर चार्ज क्यू टू है, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब दोनों ही केस में डिस्टेंस वही रहेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि सिंपल सपोज कीजिए इस पर अगर ये क्यू चार्ज है, तो मान लीजिए क्यू चार्ज इसके सेंटर पे है, तो क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज के चलते जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला स्फीयर के चलते हो जाता है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली ये क्यू टू चार्ज है, इससे इसके बाहर हम बात कर रहे हैं, तो सिंपली ये क्यू टू चार्ज मान लीजिए इसके सेंटर पे है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ भी ये Q1 है, तो मान लीजिए Q1 इसके सेंटर पे है, तो ये डिस्टेंस दोनों में डिस्टेंस सेम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से आप समझ सकते हैं भाई, बहुत ही आसान है, K बाई एक्स स्क्वायर आपका कॉमन हो गया, तो K बाई एक्स स्क्वायर और ये हो गया Q1 प्लस Q2। अब देखिए K का वैल्यू कितना हो गया? 9 × 10^9 डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है? 90 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 90 × 10^-2 का स्क्वायर।
क्लियर है। चलिए और ये हो गया Q1 प्लस Q2, Q1 कितना है 10^-4, 10^-4 प्लस 10^-6, ये हो गया 10^-6। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो पूरा वैल्यू है, ये इतना जो पूरा वैल्यू आया, सिंपली आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करना है, डिटेल मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ स्टेप। तो स्टूडेंट देखिए, इसको डिटेल हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, सिंपली आपका यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्या कर दिए, 9×10^9 इतना तो रह ही गया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, नीचे वाला कितना हो गया 81 × इतना हो गया, आप समझ रहे हैं। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें से हम 10^-4 को कॉमन ले लिए, तो बच गया 1 10^-2 बच गया, 10^-2 बच गया। यहाँ से इसको सॉल्व करते गए, ये 1 10^-2 मतलब 0.01 हो गया, मतलब ये 1.01 हो गया, 1.01 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे सॉल्व किया 10^7, इसको सॉल्व किया, दिस इज योर, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 इसी से रिलेटेड है, और सिंपली इसी क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा जा रहा है एम एन और पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे एक एक करके, सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, KQ/R वगैरह जो फॉर्मूला होता है, आप समझ रहे हैं। देखिए अब एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल के दोनों के चलते होगा, इस वाले स्फीयर के चलते और इसके चलते भी होगा। तो पहले वाले के चलते अगर पोटेंशियल V1 मान ले, दूसरे वाले के चलते V2, तो यहाँ पर V1 और V2 का वैल्यू देखिए, इस पॉइंट पर ये जो स्फीयर है, इनर स्फीयर, जिस पर Q1 चार्ज है, जिसका रेडियस R1 है, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा KQ1 डिवाइडेड बाई R1, क्लियर है। और इसी पॉइंट पर जो बाहर वाला जो स्फीयर है, उसके चलते कितना होगा KQ2, बाहर वाले पे चार्ज Q2 है, और इसका रेडियस कितना है, बाहर वाले का रेडियस कितना है R2। अच्छा ये क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि भाई इसके सरफेस पर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस स्फीयर पे जो चार्ज के चलते, उतना ही स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर में होगा। इसी तरह ये इनर स्फीयर जो है, इसके सरफेस पर कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा, जो कि कितना होगा KQ1/R1, उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर में होगा। इसीलिए हम लोग सरफेस वाला, कहने का मतलब है कि सिंपली हम लोग रेडियस का वैल्यू हम लोग ले लिए यहाँ पे, क्लियर है। अंदर में कहीं पर जितना सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उतना ही अंदर में होता है। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, के का वैल्यू हो गया यहाँ पर, के आपका कॉमन आ जाएगा, तो के का वैल्यू हम लोग कॉमन ले लिए 9×10^9, और यहाँ पर Q1 कितना था, इस पर ये दिया हुआ Q1 स्टूडेंट था 10^-4 कूलम, तो 10^-4 कूलम, और ये R1 का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, जो अंदर वाला था ये 10 cm इसका रेडियस था, तो 10×10^-2 प्लस बाहर वाला जो स्फीयर है, उस पर चार्ज कितना था 10^-6 कूलम, 10^-6 कूलम, और बाहर वाले का रेडियस कितना था 30 cm, मतलब ये हो गया 30×10^-2 इतना, क्लियर है। और इसको जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट लगभग इसका फाइनल वैल्यू आप देख सकते हैं इतना वोल्ट आ रहा है। चलिए इसके दूसरे वाले पार्ट में क्या है, हम लोगों को एन पॉइंट पर निकालना है, ध्यान दीजिएगा एन पॉइंट जो है ये इससे 20 cm के डिस्टेंस पे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, नॉर्मली बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते भी हैं, तो पूछते हैं कभी भी, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए कि कैसे हम कौन सा फॉर्मूला को यूज करें। ध्यान दीजिए एन पॉइंट जो है ये पहले वाले स्फीयर से बाहर है, जबकि अंदर वाले सरफेस से अंदर में है, अंदर वाले स्फीयर के अंदर में, तो पहले वाले स्फीयर के चलते यहाँ पर सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे KQ/X वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, जबकि बाहर वाले के चलते यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे KQ/R वाला, चूंकि ये इसके अंदर में है और इसके सरफेस पे जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर में सब जगह होगा। तो ये क्लियर होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, हम VN जो हम लिख रहे हैं पहले वाले स्फीयर के चलते, दोनों स्फीयर के चलते होगा, V1 के चलते भी, V2 के चलते भी, तो पहले वाले स्फीयर के चलते यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, K × पहले वाले स्फीयर पर जो चार्ज Q1 है और इन डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है 20 cm, तो ये हो जाएगा 20×10^-2, क्लियर है। तो यहाँ पर Q1 का वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q1 कितना है पहले वाले स्फीयर पे चार्ज है 10^-4 कूलम था, 10^-4, ठीक है, ये पहले वाले के चलते हो गया। दूसरे वाले के चलते अब ध्यान दीजिएगा K × दूसरे वाले पे चार्ज, दूसरे वाले पे चार्ज कितना है 10^-6, 10^-6 डिवाइडेड बाई, अब दूसरे वाले के चलते क्या है, चूंकि ये इसके अंदर में लाई कर रहा है, तो सिंपली इसका सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही लिख दीजिए, उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। तो सरफेस पर लिखना है मतलब नीचे में इसका रेडियस का वैल्यू, ये रेडियस कितना है, दूसरे वाले का रेडियस कितना है 30 cm था, तो 30×10^-2, के का वैल्यू 9×10^9, आप समझ आए। तो इतना आपको लिखने आना चाहिए, बाकी फिर मैथ्स है, बाकी फिजिक्स नहीं है, क्लियर है। और इसको जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट लगभग इसका इतना वैल्यू आ जाता है, देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को।
स्टूडेंट इसके थर्ड वाले पार्ट में अगेन हम लोगों को क्या निकालना है, पी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल दोनों स्फीयर के चलते होगा, तो पहले वाले के चलते अगर वी वन माने, दूसरे वाले के चलते वी टू। तो यहाँ पर वी वन और वी टू का आप समझिए, ये जो हम फॉर्मूला वगैरह यूज करेंगे ये इंपॉर्टेंट है समझना। पहले वाले के चलते देखिए, पहले वाले स्फीयर से भी ये बाहर में इलाई कर रहा है, दूसरे वाले स्फीयर से भी बाहर में इलाई कर रहा है। सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे के क्यू बाई एक्स, ठीक है। तो पहले वाले के चलते हो जाएगा चार्ज क्यू वन है, तो क्यू वन डिवाइडेड बाई एक्स, इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है पर इसका वैल्यू कितना है 90 सेंटीमीटर। और दूसरे वाले के चलते भी कितना है, k इनटू उस पर जो चार्ज q2 है डिवाइडेड बाय x। दूसरे वाले भी सेंटर तो कंसेंट्रिक स्फीयर है, सेंटर से में, तो सेंटर से 90 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब यहां पे k बाय x कॉमन हो गया, k का वैल्यू हो 9 इनटू 10 टू द पावर 9, x का वैल्यू 90 सेंटीमीटर, 90 इनटू 10 टू द पावर -2, q1 का वैल्यू है 10 टू द पावर -4 कूलम, और दूसरे वाले स्फीयर पे चार्ज है 10 टू द पावर -6 कूलम। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसका वैल्यू लगभग इतना वोल्ट आ जाता है। डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक सॉलिड स्फीयर है जिस पर चार्ज क्यू है और ये सराउंडेड है एक हॉलो स्फेरिकल सेल से, एक हॉलो स्फेरिकल सेल से सराउंडेड है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, ठीक है। तो इस केस में आपको दिया हुआ है कि ये जो सॉलिड स्फेयर है इसके सरफेस पर अगर पोटेंशियल वी वन है और ये जो स्फेरिकल सेल है इसके सरफेस का अगर पोटेंशियल वी टू है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी वन माइनस वी टू आपको दिया हुआ है वी, ये वी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन का दूसरे पार्ट में कह रहा है कि अगर ये जो आउटर स्फेरिकल सेल है इस पर अगर हम -3q चार्ज दे दें, तब बताइए कि अब इसका जो सरफेस पर का जो पोटेंशियल है, मान लेते हैं आप पोटेंशियल को चेंज हो जाएगा, तो मान लेते हैं वी वन डैश हो गया और इसका सरफेस का पोटेंशियल अब मान लेते हैं वी टू डैश हो गया, तो अब ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू का वैल्यू वी था, तो अब वी वन डैश माइनस वी टू डैश का क्या वैल्यू होगा, क्लियर है। पहला तो स्टूडेंट आप थ्योरेटिकली भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टेप्स की आवश्यकता नहीं है, समझिए बिना पेन का यूज किए कैसे। चूंकि क्या हो रहा है कि स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल के केस में क्या प्रॉपर्टी होता है कि जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पर होता है उतना ही पोटेंशियल अंदर में कहीं भी उतना ही पोटेंशियल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्फेरिकल सेल है, तो शुरू में क्या था भाई, ठीक है ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी था। अब क्या हुआ कि आप इस स्फेरिकल सेल पे चार्ज दे दिए, तो अब चूंकि स्फेरिकल सेल के तो सरफेस पर जितना पोटेंशियल, जितना इस चार्ज के चलते क्या होगा कि सरफेस पर जितना अमाउंट से उसका पोटेंशियल का वैल्यू चेंज हुआ होगा, उतना ही अमाउंट से अंदर में भी सब जगह चेंज हुआ होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू उतना सेम अमाउंट से चेंज हुआ होगा, क्योंकि पोटेंशियल सब जगह सेम हो जाता है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। जिसके चलते क्या होगा कि फाइनली जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम मेरा ये वी वन माइनस वी टू डैश का भी वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस जो है भी ही आ जाएगा जितना शुरू में था। मतलब इस क्वेश्चन में या तो आप -3q कहिए, -4q कहिए, -2q कहिए, कुछ भी चार्ज अगर इस पर हम देंगे स्फेरिकल सेल पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मेरा वैल्यू सेम ही रह जाएगा जितना शुरू में था। थ्योरेटिकली आप इसको समझ लिए, ठीक है। अब इसको दूसरा मेथड हम लोग इसको देखिए न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, ये सेकेंड मेथड हो गया। सेकेंड मेथड में सिंपली हम लोग क्या करेंगे भाई, दो पहला कंडीशन के हिसाब से हम लोग को कोई एक रिलेशन आएगा, फिर दूसरे वाले सिचुएशन में हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पहले वाले सिचुएशन के हिसाब से कुछ वैल्यू वगैरह पुट करेंगे, ऐसे ही कुछ काम करेंगे, देखते हैं। पहले वाले सिचुएशन में देखिए हमारे पास क्या है कि भाई वी वन माइनस वी टू का वैल्यू वी दिया हुआ है, तो निकालते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो इनर स्फीयर है इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर वन है, और जो आउटर स्फीयर है इसका रेडियस है आर टू। मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू लिखेंगे, के क्यू बाई आर वन आर टू वगैरह, तो मानना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वी वन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे पहले वाले केस में जब आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, मतलब आउटर सरफेस पर चूंकि कोई चार्ज ही नहीं है तो उसके चलते कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। तो वी वन यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा इसी चार्ज के चलते, वी टू पर भी, वी टू यहाँ भी जो पोटेंशियल होगा इसी के चलते होगा, तो वी वन यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के इंटू चार्ज कितना है क्यू डिवाइडेड बाई आर वन, डिवाइडेड बाई आर वन इसके सरफेस पे, चलिए ठीक है। माइनस अब वी टू का वैल्यू लिख देते हैं, वी टू का वैल्यू, अब वी टू पर भी ये जो पोटेंशियल यहाँ भी होगा सिर्फ इसी क्यू चार्ज के चलते होगा, तो ये क्यू चार्ज के चलते वहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, मतलब ये रेडियस कितना है आर टू, तो के क्यू बाई आर टू इक्वल्स टू वी। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल गया, वी का वैल्यू एक्चुअल में इतना के बराबर है। अब हम लोग वी वन डैश माइनस वी टू डैश निकालते हैं, चलिए ठीक है। वी वन डैश का वैल्यू अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस केस में क्या होगा, वी वन यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा ना इस क्यू चार्ज के चलते भी होगा और ये जो माइनस थ्री क्यू चार्ज है इसके चलते भी होगा, क्लियर है। चलिए दोनों के चलते हम लोग लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। वी वन डैश का वैल्यू अभी हम लोग लिख रहे हैं, वी वन डैश का वैल्यू
यहाँ पर वी वन डैश का वैल्यू इस क्यू के चलते, इसके चलते पहले लिखते हैं, ये आर वन है और ये आर टू है। चलिए इसके चलते क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई के क्यू डिवाइडेड बाई आर वन, के क्यू डिवाइडेड बाई आर वन, ये वी वन डैश का वैल्यू इसके चलते हुआ। अब वी वन डैश का यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू इस माइनस थ्री क्यू जो चार्ज है, माइनस थ्री क्यू इसके चलते हम देखे लिख रहे हैं, तो माइनस थ्री क्यू के चलते क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस लिखेंगे के इंटू माइनस थ्री क्यू डिवाइडेड बाई माइनस थ्री क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जो पोटेंशियल इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी हो जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाई आर टू, ये वी वन का वैल्यू हो गया। अब देखिए हम वी टू का वैल्यू लिख रहे हैं, वी टू यहाँ पर का जो पोटेंशियल होगा, अब यहाँ पर का पोटेंशियल पहले अभी इस चार्ज वाले के चलते लिख लेते हैं, इस चार्ज के चलते क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिए इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, आर टू, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर टू, ठीक है। फिर प्लस, अब प्लस, अब ये जो माइनस थ्री क्यू चार्ज है इसके चलते यहाँ पर इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के इंटू माइनस थ्री क्यू डिवाइडेड बाई आर टू, इतना ही हो जाएगा ना, इतना, ये वी वन डैश माइनस वी टू डैश हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इनफैक्ट ये क्या हो रहा है, ये माइनस थ्री के क्यू बाई आर टू, माइनस थ्री के क्यू बाई आर टू, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस, प्लस थ्री के क्यू बाई आर टू, ध्यान दीजिएगा ये वाला टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आपके पास बच जाएगा के क्यू बाई आर वन माइनस के क्यू बाई आर टू, के क्यू बाई आर वन माइनस के क्यू बाई आर टू, यही टर्म बच जाएगा, मतलब जिसका वैल्यू इनफैक्ट कितना है, वी के बराबर। तो यहाँ से भी बहुत क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रह जाएगा स्टूडेंट। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।